हमीरपुर के डीएवी स्कूल की दृष्टि परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीधा संवाद करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 10 छात्रों का चयन पीएम मोदी की परीक्षा चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है, जिसमें हमीरपुर जिला से एकमात्र डीएवी स्कूल सलासी की छात्रा दृष्टि का चयन हुआ है। यह कार्यक्रम 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। वहीं हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के चयनित सभी छात्र प्राइवेट स्कूल से संबंध रखते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी सरकारी स्कूलों के बच्चों में कमी को माना है। डीएवी स्कूल हमीरपुर की छात्रा दृष्टि चौहान अपने चयन को लेकर काफी उत्साहित हैं और दृष्टि ने अपने चयन का श्रेय स्कूल प्रबंधन और स्टाफ को दिया है। दृष्टि ने बताया कि परीक्षा में चर्चा के लिए निबंध प्रतियोगिता में ग्रेटिट्यूड इज ग्रेस विषय में लिखे गए पत्र के आधार पर मेरा चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से सीधे संवाद में परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे निपटा जाए। स्कूल के प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने दृष्टि का चयन परीक्षा चर्चा में होने पर खुशी जाहिर की है और गर्व से कहा कि पीएम मोदी की अच्छी पहल है और इससे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदमों के साथ तनाव को दूर रखकर पढ़ाई की जाए, यह एक चुनौती बन गई है। मोदी से परीक्षा पर चर्चा के लिए जिन छात्रों का चयन हुआ है वो सारे निजी स्कूल के हैं, एक भी सरकारी स्कूल का छात्र नहीं है, क्या कारण मानते हैं? यह संभव हो सकता है क्योंकि उनकी स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं, डिस्कशन की और चर्चा वाद विवाद, वो सरकारी स्कूलों के मुकाबले पर जो है वो बेटर होती हैं। हम भी जो है वो इसको प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी जो है वो हमारा जो बैग फ्री डे है, पहले नहीं होता था, सरकार प्राइवेट स्कूलों में बहुत शुरू से होता है और वो इसमें जो है वो कुछ लोगों को इसी प्रकार की स्किल्स इत्यादि के लिए तैयार करते हैं। अब सरकारी स्कूलों में जो है वो किसी को अगर थोड़ा सा हाथ भी लगा दिया तो मीडिया एकदम से जो है उसको पकड़ लेता है, उछाल लेता है कि टीचर ने इसको हाथ लगा दिया। प्राइवेट स्कूल वालों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या करते हैं, वो तो चिट्ठी पर लिखते हैं और अपने जो है माता पिता को बोलते हैं, माता पिता उनको पकड़ कर ले आते हैं, माता पिता पीटें तो कुछ करें जो करें वो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत है सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकारी स्कूलों की कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स का टैलेंट भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म के कारण या उनकी स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं उसमें ज़्यादा होती हैं वो, तो इसलिए जो है वो उसमें कमी हो सकती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भी ठीक आए। देखिए, हम सभी के लिए ये और ना सिर्फ डीएवी हमीरपुर बल्कि एंटायर डीएवी फ्रेटर्निटी, हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा दृष्टि को भी, इसके पेरेंट्स को भी और स्पेशली हमारे टीचर्स को जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया कि वे अपने विचार इस तरह से और अच्छे तरीके से रख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इवेंट रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक पहल की है जिसमें बच्चों के साथ, क्योंकि एग्जाम्स तो सभी देते हैं, हमारे टाइम में हम भी दिया करते थे जबकि कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहां हम अपने स्ट्रेस को या अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत इंटरफेरेंस हो गई है लाइफ में बच्चों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इवन कि 99.9 भी आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने स्ट्रेस को दूर रखते हुए कैसे पढ़ाई में एडवांस किया जा सकता है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सृष्टि एंड मोटिवेशनल फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दृष्टि सिर्फ डीएवी में नहीं बल्कि पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लौता ऐसा बच्चा है जिसने ये गौरव प्राप्त किया है प्रधानमंत्री जी से मिलने का। मुझे आशा है कि दृष्टि वहाँ पर ज़रूर प्रधानमंत्री जी से भी एक अच्छा सवाल पूछेगी जो औरों के लिए भी लाभदायक होगा। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से सिंह की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।